दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने होम टैब के ग्रुप फॉन्ट के बारे में पढ़ा। आज की इस वीडियो में हम होम टैब के ग्रुप पैराग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, पैराग्राफ की तमाम कमांड्स को यूज़ करके देखने के लिए हम यहाँ पर इक्वल साइन लगाने के बाद RAND टाइप करते हैं। शिफ्ट 9 को होल्ड करके ओपन पैरेंथेसिस और शिफ्ट 0 को होल्ड करके हम क्लोज पैरेंथेसिस लगा लेते हैं। कीबोर्ड से एंटर का बटन प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक रैंडम टेक्स्ट आ चुका है। इस रैंडम टेक्स्ट में अगर आप देखें तो आपको 5 पैराग्राफ दिखाई देंगे। इन पैराग्राफ की मदद से हम अपनी इन पैराग्राफ कमांड्स को यहाँ पर अप्लाई करके देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, इन 5 पैराग्राफ को अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं यहाँ से बुलेट्स पर क्लिक करता हूँ, आप देखिए यहाँ बुलेट्स की कमांड है, इस पर मैं सिंपल क्लिक करता हूँ तो आपको जो भी आपने बुलेट अभी हाल ही में यूज़ किया होगा वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अगर दोस्तों आपने कोई बुलेट पहले अप्लाई नहीं किया है तो आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट बुलेट होता है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। दोस्तों, यहाँ पर आपने मुख्तलिफ पैराग्राफ पर बुलेट्स लगा लिए। ये बुलेट्स आपके तब आते हैं जब आप एंटर का बटन प्रेस कर देते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर एंटर का बटन प्रेस करता हूँ, आप देख सकेंगे कि यहाँ पर एक और बुलेट आ चुका है। इसी तरह से मैं यहाँ माउस का कर्सर रख के एंटर का बटन प्रेस करता हूँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एक बुलेट आ चुका है। इसी तरह से अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर भी एक बुलेट इंसर्ट कर सकते हैं, यानी जिस जगह पर आप एंटर का बटन प्रेस कर देंगे तब आपकी लाइन यकीनन नई लाइन स्टार्ट होगी, तो उस नई लाइन के स्टार्ट में आपका बुलेट अपीयर हो जाएगा। दोस्तों, आप चाहें तो आप कंट्रोल ए की मदद से अपने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट और एल की का यूज़ करते हुए भी इस बुलेट को अप्लाई कर सकते हैं। मैंने कंट्रोल शिफ्ट एल की का यूज़ करके इनको यहाँ पर अप्लाई किया है। अगर फ्रेंड्स मैं कंट्रोल शिफ्ट और एल की यूज़ करता हूँ तो आप देखिए हमारा पैराग्राफ नॉर्मल हालत में आ चुका है। और अगर आप यहाँ हेडिंग स्टाइल देखें वो भी आपको नॉर्मल यहाँ पर सिलेक्टेड दिखाई दे रहा है। फ्रेंड, मैं फिर से कंट्रोल शिफ्ट और एल की को यूज़ करके यहाँ पर बुलेट्स लगा लेता हूँ। आप देखिए हमारे जो बाय डिफ़ॉल्ट बुलेट्स होते हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। अगर दोस्तों मुझे इन बुलेट्स का स्टाइल चेंज करना होगा तो मैं अपने उस तमाम टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा जिस पर मैंने बुलेट्स लगा रखे होंगे। सिलेक्ट करने के बाद मैं पैराग्राफ की इस कमांड, इसके साथ आप देख सकते हैं कि एरो आइकॉन है, बुलेट कमांड के साथ एरो आइकॉन है, मैं इस एरो आइकॉन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुख्तलिफ बुलेट्स आ जाते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पर आपको एक पिक्चर भी दिखाई दे रही है। दरअसल ये पिक्चर हमने कहाँ से इंसर्ट की है इसके बारे में भी बात करते हैं। पहले मैं आपको डिफरेंट बुलेट्स जो कि आप यहाँ से क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हैं उनके बारे में बता दूँ। ये देखिए, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके बुलेट्स का स्टाइल चेंज हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि आप किस तरह से पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। हमने अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रखा है, हम बुलेट्स की इस कमांड के सामने इस एरो आइकॉन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए लास्ट में डिफाइन न्यू बुलेट्स के नाम से एक टेक्स्ट लिखा हुआ है। आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है। इस डायलॉग बॉक्स में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहली कमांड सिंबल की है, आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर मुख्तलिफ सैम्बल्स आ जाते हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो सैम्बल चाहें यहाँ से चूज़ करके ओके का बटन प्रेस करेंगे तो दोस्तों आपका वो सिंबल यहाँ आपके बुलेट के तौर पे इंसर्ट हो जाएगा। या फिर दोस्तों आप चाहें तो आप कस्टम सैम्बल्स, कस्टम पिक्चर्स भी यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए, मैंने पिक्चर पर इंसर्ट किया है, यहाँ पर लिखा हुआ प्लीज़ वेट वाइल वी लोड पिक्चर्स दिखाई दे रहा है। दरअसल दोस्तों ये इंटरनेट से हमारी पिक्चर्स डाउनलोड करने के लिए है। दोस्तों अगर हमें इंटरनेट से पिक्चर डाउनलोड नहीं करनी है तो हम फ्रामा फाइल पर क्लिक करके अपनी मतलूबा पिक्चर सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट का बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे जितने पैराग्राफ होंगे उनके प्रीव्यू में आपको ये पिक्चर दिखाई दे। जैसे ही आप ओके का बटन प्रेस करेंगे आपको उन तमाम पैराग्राफ पे वो पिक्चर दिखाई देगी। इसी तरह से दोस्तों अगर आप चाहें तो आप इन बुलेट्स की जगह पर नंबर भी इंसर्ट कर सकते हैं। अब नंबर इंसर्ट करने के लिए आपको अपना फिर से पैराग्राफ सेलेक्ट करना होगा।
सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ नंबरिंग की कमांड पर आएंगे और यहाँ से आप कोई भी नंबर चूज करके इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं 123 पर क्लिक करता हूँ, हमारे नंबर इंसर्ट हो गए हैं। इसी तरह से अगर हम इसको रोमन कीज देना चाहें तो वो भी आप इंसर्ट कर सकते हैं, रोमन लेटर्स। इसी तरह से अगर आप चाहें तो आप अल्फाबेटिक लेटर्स भी इसको असाइन कर सकते हैं। दोस्तों आप थोड़ा सा एडवांस आते हैं, मैं पेज चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने एक दूसरा पेज इंसर्ट कर रखा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने कंटेंट के नाम से एक वर्ड लिखा है। ये वर्ड दरअसल हमारी मेन हेडिंग है। दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि हमारी बुक्स के स्टार्ट में इस तरह का कंटेंट पेज आता है जिसमें कुछ इस तरह से डिवीजन हुई होती है, या फिर दोस्तों ऐसा भी होता है कि आप कोई हिस्ट्री लिख रहे हैं या आप किसी भी चीज़ के मतलब कुछ लिख रहे हैं तो आपको एक मेन हेडिंग के अंदर एक हेडिंग के अंदर एक सब हेडिंग और सब हेडिंग के आपको जूस देने होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 1, 2, 3 ये हमारी मेन हेडिंग है। इन हेडिंग के अंदर यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि चंद एक हेडिंग्स आपको दिखाई दे रही हैं। अगर इन हेडिंग्स के अंदर भी हमें कुछ लिखना हो तो हम किस तरह से उनके बुलेट्स और नंबरिंग कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पर मैंने जो कंटेंट लिखा है, अगर मैं इस कंटेंट को सिंपल यहाँ से बुलेट्स ख़त्म कर दूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मैंने बुलेट्स लगाए हैं वो मैंने ख़त्म कर दिए हैं। मैंने कुछ इस तरह से कंटेंट लिखा है। अगर मैं इस कंटेंट को यहाँ से जो आपकी ये नंबरिंग की हुई है पेजेस की, इसको यहाँ से गायब कर दूँ ताकि ये इस सही से दिखाई दे। मैंने ये आर्थिक तौर पर लिखा था तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। दोस्तों देखिए, यहाँ पर हमने लिखा है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने यहाँ पर नाउंस एडवर्ब्स लिखे हैं। देखिए मैं इनको यहाँ पर ले आता हूँ, पेज नंबर 29 को भी रिमूव कर देते हैं। अभी दोस्तों देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद यहाँ पर नाउन और एडवर्ब्स है। मैं चाहता हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ जब मैं यहाँ पर बुलेट्स लगाऊँ तो वो बुलेट्स यहाँ पर आने के बाद या वो नंबर यहाँ पर आने के बाद इन नाउन और एडवर्ब पर अप्लाई ना हो, बल्कि नाउन और एडवर्ब पर मैं मज़ीद कोई और बुलेट्स या नंबर लगाना चाहूँगा। तो दोस्तों मैं तमाम के तमाम जो मैंने पैराग्राफ या टेक्स्ट लिख रखा होगा उसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी मल्टी लेवल लिस्ट है, इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से अपनी मर्जी का अगर बुलेट स्टाइल चूज़ करना है तो किसी भी बुलेट स्टाइल को चूज़ कर लूँगा, या फिर मैं कोई इस तरह से हेडिंग या इस तरह से कोई भी नंबरिंग मैं अपनी मर्जी के मुताबिक जो चाहूँ चूज़ कर सकता हूँ। देखिए मैंने मेन हेडिंग चूज़ की है। अभी आप देख सकते हैं कि जो हमने हेडिंग चूज़ की है उस हेडिंग के साथ यहाँ पर आपको नाउन और एडवर्ब भी दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर एंटर का बटन प्रेस करता हूँ तो आप देखिए नाउन के साथ 4 आ चुका है। इसी तरह से अगर मैं एडवर्ब पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एडवर्ब के साथ 5 आ चुका है, जबकि मुझे इनको सब डिवाइड करना था इसकी सब हेडिंग के तौर पर। तो दोस्तों मुझे क्या करना है कि मुझे यहाँ पर जो आपके नंबर आ चुका है उसके बाद टैब का बटन प्रेस करना है। देखिए जैसे ही मैंने टैब का बटन प्रेस किया तो आपको यहाँ पर ए दिखाई दे रहा है। इसी तरह से अगर मैं एडवर्ब पर क्लिक करके टैब का बटन प्रेस करूँगा तो एडवर्ब भी हमारा सब हेडिंग बन जाएगा। अगर फ्रेंड्स इन्हीं नाउंस में मैं कुछ और ऐड करना चाहूँ, जैसे कोई भी नेम हो गया, जैसे लैपटॉप हो गया, या इस तरह से कुछ भी मैं इनकी सब हेडिंग देना चाहूँगा, तो दोस्तों मुझे क्या करना होगा, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। आप देख सकते हैं कि ये सब हेडिंग के तौर पे आ चुका है। अब मैं टैब बटन प्रेस करूँगा और यहाँ पर भी मैं बुलेट्स अप्लाई कर दूँगा। देखिए मैं यहाँ पर उनको सेलेक्ट करके यहाँ नंबरिंग पे आता हूँ, ये कुछ इस तरह से मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर क्लिक करके नंबरिंग लगा लेता हूँ, यहाँ पर भी मैंने नंबरिंग लगा ली है। देखिए इस तरह से आप
अपनी मल्टी लेवल का यूज़ करके अपने हेडिंग, सब हेडिंग और उसके अंदर चीज़ बना सकते हैं। तो अब दोस्तों हम एक सिंपल पैराग्राफ यहाँ पर इंसर्ट कर लेते हैं। मैं इस पेज को ख़त्म कर देता हूँ। मैंने दूसरी शीट ओपन कर रखी है जिसमें मैंने पैराग्राफ इंसर्ट किया था। मैं दोबारा से पैराग्राफ इंसर्ट कर लेता हूँ। एंटर बटन प्रेस करते हैं। सॉरी कि यहाँ पर हमने नंबर अप्लाई किए हुए थे तो नहीं आ सका। एंटर का बटन प्रेस करते हैं तो आप देखिए हमारा पैराग्राफ आ चुका है। यहाँ पर नॉर्मल हालत में ले आते हैं इसको। नॉर्मल हालत में आने के बाद दोस्तों अगर आप देखें तो आपके इस पेज के लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे, ऊपर और अगर आपका टेक्स्ट यहाँ नीचे तक आएगा तो यहाँ नीचे भी आपकी कुछ जगह खाली छूट जाएगी। ये जगह क्यों खाली छोड़ी गई है दोस्तों? दरअसल यहाँ पर हमने मार्जिन लगा रखे हैं। अगर आप पेज लेआउट में आते हैं और आप यहाँ पे मार्जिन पे क्लिक करते हैं तो आप देखिए ये जो नीली लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं इनके जो बाहर वाले हिस्से हैं ये आपकी खाली स्पेसेस हैं और जो अंदर वाला ये वाला हिस्सा है ये वो हिस्सा है जो पेज पे यहाँ पर टेक्स्ट आएगा। नॉर्मल हालत में ये वन इंच हर तरफ से होता है। अगर दोस्तों हम नैरो पर क्लिक करते हैं तो आप देखिए अब हमारा टेक्स्ट थोड़ा सा करीब आ चुका है क्योंकि दोस्तों हमने अब इसका जो मार्जिन है वो 0.5 कर दिया है। अगर फ्रेंड्स हम इसका मार्जिन बढ़ाना चाहेंगे तो हम इस तरह से बढ़ा भी सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप अपनी मर्जी से इसके मार्जिन को सेट कर सकते हैं। कस्टम मार्जिन सेट करने के लिए आप मार्जिन पर क्लिक करके कस्टम मार्जिन पर आएंगे और यहाँ पर आप अपनी मर्जी का मार्जिन सेट कर देंगे तो दोस्तों आपकी ये जो खाली जगह है ये छूट जाएगी। ये खाली जगह दरअसल हम अपने पेज की बाइंडिंग करने के लिए रखते हैं। अभी दोस्तों मैं आपको इसी के बारे में कुछ बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों हमने ये जगह रख ली, ये जगह जो हमने छोड़ी है इस पर हमारा टेक्स्ट कभी भी नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों हम चाहते हैं कि हमारा ये जो पहला पैराग्राफ है ये इस जगह पर तो नहीं आएगा लेकिन इसके साथ ही कुछ जगह और छोड़ दें। यानी हम नहीं चाहते कि हमारा ये जो पैरा है जहाँ से ये आपका हाशिया जो आप कह लीजिए कि आपके मार्जिन ख़त्म होते हैं उसके साथ ही ये शुरू हो जाए। तो दोस्तों ऐसी सूरत हाल में जब आपको अपने टेक्स्ट को थोड़ा सा आगे या आगे यहाँ पर किए गए टेक्स्ट को थोड़ा सा पीछे करना हो तो दोस्तों आप अंडेंट का यूज़ करते हैं। अंडेंट का यूज़ करने के लिए हमारे पास पैराग्राफ के इस ग्रुप में यहाँ पर दो कमांड्स मौजूद हैं। आप देखिए डिक्रीज इंडेंट की कमांड है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंक्रीज इंडेंट की कमांड है। अगर आप इंक्रीज इंडेंट करते हैं तो आपका पैराग्राफ का जो स्पेस है वो खाली स्पेस वो बढ़ता जाएगा और जो आपका लिखने का एरिया है वो कम होता जाएगा। जो पैराग्राफ आपने सेलेक्ट कर रखा होगा ये इंडेंट उसी पैराग्राफ पर अप्लाई होंगे। अगर फ्रेंड्स आपने यहाँ पर जो आपका एरिया जुड़ चुका है अगर आप इस एरिया को कम करना चाहते हैं तो आप डिक्रीज इंटेंट पर क्लिक करके इसको कम कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आपने इस पैराग्राफ को इंडेंट देकर आगे किया था। अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ जाए कि आपका जो ये पैराग्राफ है ये आपका आगे नहीं बल्कि बाकी तमाम पैराग्राफ के निस्बत थोड़ा सा पीछे होना चाहिए तो दोस्तों अगर आप डिक्रीज इंटेंट करते हैं तो आपका पैराग्राफ सिर्फ इतना ही आएगा। लेकिन दोस्तों एक ऐसी चीज़ भी है जिसकी मदद से आप अपने पैराग्राफ को उस मार्जिन पर भी लेकर आ सकते हैं जो आपने यहाँ पेज पर दे रखा होगा। उसका इस्तेमाल करने के लिए आपको व्यू के टैब में आना होगा। व्यू के टैब में आने के बाद आप रूलर पर क्लिक करेंगे। रूलर पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपके पेज पर ऊपर और लेफ्ट साइड पर हो जाएगा रूलर दिखाई देगा। ये रूलर दरअसल आपके मार्जिन को शो करने के लिए है। दोस्तों आपके मार्जिन शो हो गए हैं, आप होम के बटन पर आ जाइए। फ्रेंड्स आपने जिस पैराग्राफ को उस मार्जिन पर शो करना है आप उस पैराग्राफ को सिलेक्ट कीजिए। आप देख सकते हैं कि जो हमारा खाली स्पेस है वो थोड़ी सी गहरी है रूलर पर। अगर दोस्तों आप यहाँ पर देखें तो आपको बिजी का साइन दिखाई दे रहा है। आप अपने पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद अगर अपने माउस को यहाँ लेकर आते हैं
तो आपको लेफ्ट एंड राइट दिखाई देगा। आप इस पर क्लिक करके जितना इसको आगे पीछे कर सकते हैं आप कर लें। देखिए दोस्तों, जैसे ही आप इसको पीछे पलटकर करेंगे तो आपने जो मार्जिन दे रखा है उस मार्जिन के ऊपर भी आपका इंडेंट अप्लाई हो जाएगा, यानी आप अपने टेक्स्ट को उस मार्जिन के ऊपर भी लिख पाएंगे। दोस्तों, इस पैराग्राफ के ग्रुप में मौजूद तमाम कमांड्स की शॉर्ट कीज के बारे में भी हम वन बाय वन करके अभी पढ़ते हैं। दोस्तों देखिए, हमने इंडेंट भी अप्लाई कर लिया है। अगर आप बात करें पैराग्राफ में, तो पैराग्राफ में हमारे यहाँ पर अलाइनमेंट भी होती है। जैसे यहाँ पे देखिए, आपका जितना भी पैराग्राफ है, चाहे आपने उसको इंडेंट दे रखा है, चाहे उसको आपने मार्जिन दे रखा है, चाहे नहीं दे रखा, तो आप देख सकते हैं कि ये तमाम का तमाम पैराग्राफ लेफ्ट साइड से इक्वल है और राइट साइड से ये रैग, या आप यूँ कह लीजिए कि ये आगे पीछे है। दोस्तों दरअसल इस पेज पर जो हमने टेक्स्ट लिखा है, इस पर हमने लेफ्ट अलाइन की सेटिंग कर रखी है। अगर आप ये तमाम के तमाम पैराग्राफ को सिलेक्ट करके पैराग्राफ में मौजूद इस कमांड पर आते हैं, तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ लेफ्ट अलाइन भी दिखाई देगा। दोस्तों अगर आप चाहें कि आपका टेक्स्ट जो लेफ्ट अलाइन है, यानी लेफ्ट साइड से बराबर है, वो लेफ्ट साइड पर बराबर ना रहे बल्कि राइट साइड पर बराबर हो जाए, तो दोस्तों आप पैराग्राफ में मौजूद इस लेफ्ट अलाइन कमांड पर क्लिक करें। आप देख सकते हैं कि आपका टेक्स्ट अब लेफ्ट साइड से आगे पीछे हो चुका है, जबकि राइट साइड से ये इक्वल हो चुका है। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि आपका टेक्स्ट जो आपका पूरे का पूरा पैराग्राफ का टेक्स्ट है, या आपकी पूरी शीट पे जो टेक्स्ट है, ये सारे का सारा जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट आपका ना लेफ्ट अलाइन हो ना राइट अलाइन हो बल्कि सेंटर लाइन हो जाए, तो दोस्तों सेंटर लाइन करने के लिए आप पैराग्राफ के इस ग्रुप में यहाँ पे मौजूद सेंटर लाइन कमांड पर क्लिक करेंगे, तो आपका जो टेक्स्ट है ये सेंटर लाइन हो जाएगा। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि आपका जो टेक्स्ट है वो सेंटर लाइन भी ना हो बल्कि पूरे पेज पर जस्टिफाई हो जाए, तो आप जस्टिफाई के इस कमांड पर क्लिक करके इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप इन पैराग्राफ और लाइंस के बीच में स्पेस कम या ज़्यादा करना चाहते हैं, तो दोस्तों वो भी आप आसानी के साथ कर सकते हैं। आप अपने टेक्स्ट को या अपनी लाइंस को सिलेक्ट कीजिए जिन पर आपको स्पेस को कम करना है या बढ़ाना है। मेरा इस शीट पर जितने भी पैराग्राफ हैं, मैं तमाम के तमाम पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इनकी लाइंस के बीच में फासला बढ़ जाए, तो दोस्तों मैं इनको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग के नाम से एक कमांड मौजूद है। इसके साथ एक एरो आइकॉन है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ लाइंस में फासला यहाँ पर दिया गया। आप जैसे जैसे फासला बढ़ाते जाएंगे आपको उन लाइंस का फासला बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आप चाहें तो आप एड स्पेसेस बिफोर पैराग्राफ पर क्लिक करके पैराग्राफ से पहले स्पेस बढ़ा सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप पैराग्राफ के बाद स्पेसेस को कम भी कर सकते हैं। देखिए हमने एड स्पेसेस पर क्लिक किया है तो पैराग्राफ से पहले स्पेस बढ़ चुकी है। आप चाहें तो आप इसी क्लिक करके रिमूव स्पेसेस आफ्टर पैराग्राफ पर क्लिक करके उन स्पेसेस को कम भी कर सकते हैं। देखिए हम यहाँ पर भी क्लिक करेंगे तो स्पेसेस जो हैं ये कम हो गई हैं। अगर हम एड स्पेसेस आफ्टर पैराग्राफ करेंगे तो स्पेस बढ़ गई है। इसी तरह से बिफोर पैराग्राफ पर क्लिक करके आप मज़ीद स्पेस को बढ़ा सकते हैं। अगर दोस्तों आपको अपनी लाइंस के बीच में स्पेस को कम या ज़्यादा करना है और आप अपनी मर्जी से कोई स्पेस देना चाहते हैं, तो लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पर क्लिक करें। आपके सामने पैराग्राफ के नाम से एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। इस डायलॉग बॉक्स में इंडेंट एंड स्पेसिंग के टैब में आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्पेसिंग की ऑप्शन है। यहाँ पर आप अपनी मर्जी से बिफोर आफ्टर में स्पेसिंग दे सकते हैं। दरअसल ये हमारी पैराग्राफ की स्पेसिंग होती है। पैराग्राफ की स्पेसिंग देने के बाद आप चाहें तो आप लाइन स्पेसिंग भी सेट कर सकते हैं। लाइन स्पेसिंग आप यहाँ पर राइट करके सेट कर पाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर 5 लिखता हूँ तो आप देखेंगे कि हमारी जो लाइन स्पेसिंग है वो 5 पॉइंट के वजह से हमें दिखाई दे रही है। आप चाहें तो आप इनकी 0.5 की बजाय जो डिफ़ॉल्ट होती है वो 1 होती है, 1 पॉइंट हम सेट कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरह से अगर आप चाहें तो आप
अपने टेक्स्ट के नीचे यानी इसके पीछे जो बैकग्राउंड है आप उसको भी यहाँ पर लगा सकते हैं। इसको हम शेडिंग का नाम देते हैं। जैसे मैं इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ, जितना मेरा पैराग्राफ आपको हाईलाइट दिखाई दे रहा है, इतने पैराग्राफ के पीछे आपको बैकग्राउंड देखना है तो आप शेडिंग की इस कमांड पर क्लिक करेंगे। अपनी मर्जी से शेडिंग देने के लिए इस एरो आइकॉन पर क्लिक करें और जो कलर आप चूज़ करेंगे वैसी ही शेडिंग आपके टेक्स्ट पर अप्लाई हो जाएगी। दोस्तों, अभी पिछली ही वीडियो में हमने फॉन्ट में इस हाईलाइट पर क्लिक किया था। देखिए, मैं अपने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ हाईलाइट पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरा उतना टेक्स्ट ही हाईलाइट हुआ है। अगर मैं थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मैं इस पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करके यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा टेक्स्ट है वो सारे का सारा हाईलाइट है। अगर मैं इसमें कुछ स्पेसिंग बढ़ा देता हूँ, जैसे 2.5, तो आप देख सकते हैं कि ये जो हाईलाइट हुआ है ये सिर्फ लाइन बाई लाइन हुआ है। हालांकि हमारे पेज का यहाँ पर जो एरिया खाली है इस पर भी बैकग्राउंड आना चाहिए था लेकिन नहीं आया, तो इसको हम हाईलाइट कहते हैं। अगर हम इसमें स्पेसेस बढ़ाते हैं, अब देखिए मैं यहाँ पर ले आता हूँ तो आप देख सकते हैं कि स्पेसेस तो बढ़ गई हैं लेकिन साथ में जो हमने इसको शेड दिया है वो भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इसी तरह से दोस्तों आप यहाँ पर अपने पेज में शेडिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। शेडिंग अप्लाई करने के बाद दोस्तों आप चाहें तो आप अपने पैराग्राफ के इर्द गिर्द मुख्तलिफ किस्म का बॉर्डर लगा सकते हैं। आप चाहें तो आप खुद से बॉर्डर को ड्रा कर सकते हैं, जैसे ड्रा टेबल की ऑप्शन है तो आप टेबल की मदद से जैसे जैसे आप चाहें वो इस तरह से अपना बॉर्डर इसको दे सकते हैं। देखिए, ये ड्रा टेबल की ऑप्शन से हम टेबल की सूरत में इसको बॉर्डर दे सकते हैं। ये मुख्तलिफ लेआउट्स आ गए हैं, इनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। दोस्तों, फ़िलहाल के लिए हम यहाँ पर टेबल नहीं लगाना चाहते हैं, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए ये लगाया है तो वो मैंने यहाँ पर इसको रिमूव कर दिया। अब दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दो ऑप्शंस और भी हैं। एक ऑप्शन आपकी सॉर्ट की है, दूसरी ऑप्शन जो आपकी है ये हाइड एंड शो, साथ में आपको एक करेक्टर दिख रहा है। दोस्तों, दरअसल अगर आप यहाँ से इस टेक्स्ट को क्लियर फॉर्मेट कर देते हैं और यहाँ से इसका जो बैकग्राउंड है वो भी नन कर देते हैं और इसकी जो हाईलाइट है वो भी ख़त्म कर देते हैं, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा टेक्स्ट सिंपल पैराग्राफ की सूरत में आ चुका है। पैराग्राफ की सूरत में आने के बाद अगर आप अपने तमाम पैराग्राफ्स को सिलेक्ट करते हैं और सिंपल इस कमांड पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने एंटर का बटन प्रेस किया है, वहाँ वहाँ ये आपको साइन दिखाई दे रहा है। अभी दोस्तों मैं एक और एंटर का बटन प्रेस करता हूँ, आप देख सकते हैं कि एक और साइन आ गया है। एक और बटन प्रेस करते हैं, एक और साइन आ गया है। मैं यहाँ पर एंटर का बटन प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पर वो साइन आ रहा है। इसका मतलब है कि आपका ये साइन एंटर के बटन की वजह से आ रहा है। अगर आप गौर से देखें दोस्तों तो आपको इन्हीं टेक्स्ट के बीच में यहाँ पर हमने एंटर का बटन प्रेस नहीं किया है लेकिन स्पेस का बटन प्रेस किया है, वहाँ पर आपको यह एक डॉट दिखाई दे रहा है। दरअसल ये डॉट हमारे उन स्पेसेस की जगह पर आ चुका है जो हमने यहाँ पैराग्राफ लिखते वक्त दी थी। जैसे मैं यहाँ पर स्पेस का बटन प्रेस कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि वो यहाँ पर हमारी स्पेस होनी चाहिए थी, वहाँ पर हमें डॉट दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप इस हाइट एंड शो पर क्लिक करके अपने साइन को लगा सकते हैं या आप ख़त्म कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर आपको अपने पैराग्राफ को शॉर्ट करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अपने पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर टेक्स्ट है, नंबर है, डेट है, वो चूज़ करेंगे, असेंडिंग में शॉर्ट करना है, डिसेंडिंग में करना है, आप उस पर क्लिक करके सेट कर सकते हैं। आप रॉ हेडर देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते, वो भी आप सिलेक्ट करेंगे। ऑप्शन पर क्लिक करके आप टैब्स, कॉमास, उनके यहाँ पर डेफिनेशन भी कर सकेंगे। क्या अगर आपका टैब हो, कॉमा हो या अदर कोई आप यहाँ पर फील्ड जो आपने दे रखा हो उसको आप अलहदा करना चाहें तो आप यहाँ से वो भी कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बारे में हम मज़ीद डिटेल से अगली वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, ये हमने सिंपल कमांड्स पे क्लिक करके किस तरह से हम उन कमांड्स को लगा सकते हैं या उन कमांड्स का यूज़ कर सकते हैं ये देखा।
दोस्तों अगर हमें इन कमांड्स को शॉर्ट कीज की मदद से देखना हो तो हम कैसे देखेंगे। दोस्तों देखिए, हम अपने पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेते हैं। पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद अगर आप देखें कि यहाँ पैराग्राफ के जो टाइटल लिखा है, इस टाइटल के साथ ही आपको एक एरो आइकॉन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो जो कमांड्स यहाँ पर मौजूद हैं सेम एक पैराग्राफ के डायलॉग बॉक्स जो अपीयर हुआ है उसमें भी आ जाती हैं। जो चीज़ें आप यहाँ पर क्लिक करके कर सकते हैं, सेम टू सेम चीज़ें आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर शॉर्ट कीज़ की। दोस्तों अगर आप कंट्रोल शिफ्ट और एल की प्रेस करते हैं तो आपको यहाँ पर बुलेट्स लगे हुए दिखाई देंगे। अगर दोस्तों आप उन बुलेट्स को ख़त्म करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस कर देंगे तो आपका फ़ॉन्ट नॉर्मल हालत में आ जाएगा। बाकी मजीद अगर आप अपनी मर्जी से कोई फ़ॉन्ट चूज़ करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर उसकी सिलेक्शन करना होगी। दोस्तों आप अंडेंट को अगर शॉर्ट कीज़ की मदद से यहाँ पर यूज़ करना चाहते हैं तो आपको शिफ्ट F10 प्रेस करना होगा। जैसे ही आप शिफ्ट F10 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। इस डायलॉग बॉक्स में आप पैराग्राफ को चूज़ करेंगे, देन एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो पैराग्राफ के नाम से एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। इस डायलॉग बॉक्स में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अंडेंटेशन की ऑप्शन है, आप यहाँ से अपनी मर्जी के मुताबिक अंडेंट लगा सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आप अपने डेस्क को लेफ्ट अलाइन करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल एल प्रेस करेंगे, आपका जो टेक्स्ट है ये लेफ्ट अलाइन हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स आप कंट्रोल आर प्रेस करते हैं आपका टेक्स्ट राइट अलाइन हो जाएगा। अगर आप कंट्रोल ई प्रेस करते हैं तो टेक्स्ट सेंटर लाइन, और अगर आप अपने टेक्स्ट को जस्टिफाई करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से कंट्रोल जे प्रेस कर दीजिए, आपका टेक्स्ट जस्टिफाई हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों अगर आप यहाँ पर मुख्तलिफ हेडिंग स्टाइल देना चाहते हैं, देखिए यहाँ पर हेडिंग के स्टाइल है ये नॉर्मल हालत में है, हमने कंट्रोल शिफ्ट और एन प्रेस करके इसको लगाया था। अगर फ्रेंड्स हम आल्ट कंट्रोल और वन प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपकी हेडिंग वन अप्लाई हो जाती है। अगर आल्ट कंट्रोल टू प्रेस करते हैं तो हेडिंग टू आपकी अप्लाई हो जाती है। अगर आल्ट कंट्रोल थ्री प्रेस करते हैं तो हेडिंग थ्री यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। इसी तरह से दोस्तों अगर आप अपने टेक्स्ट के बीच में लाइन स्पेसेस बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं तो भी आप शॉर्ट कीज़ का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप कंट्रोल वन प्रेस करते हैं तो आपकी जो लाइन स्पेसिंग है ये 0.1 पे आ जाएगी। अगर आप 1.5 करना चाहते हैं तो कंट्रोल 5 प्रेस कीजिए, आपकी लाइन स्पेसिंग 1.5 हो जाएगी। अगर फ्रेंड्स आप डबल लाइन स्पेसिंग यानी 1 पॉइंट की जगह पर 2 पॉइंट करना चाहते हैं तो कंट्रोल 2 का बटन प्रेस करके आप लाइन स्पेसिंग को मज़ीद बढ़ा सकते हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये कीज आपने अभी सीखी हैं आपको ये याद रहे, या आपको ये याद नहीं रहती हैं और फिर भी आप कीबोर्ड की मदद से ही अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करना चाहते हैं तो दोस्तों इनको याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल एक की याद रख लीजिए जो कि है आल्ट। आप अपने पैराग्राफ को सिलेक्ट करके अगर आल्ट की प्रेस करते हैं तो आल्ट की प्रेस करते ही आपके मुख्तलिफ टैब्स पे मुख्तलिफ कीज़ आ जाती हैं। आप देखिए जो पैराग्राफ का टैब है ये होम के टैब में मौजूद है, तो आप होम के लिए आप देख सकते हैं कि एच की ऑप्शन है तो आप एच प्रेस कर दें। जैसे ही आप एच प्रेस करेंगे तो होम टैब के ग्रुप जितने भी ग्रुप्स होंगे उन तमाम ग्रुप पे आपको एक एक या दो कीज दिखाई दे रही है। अगर आपको लेफ्ट अलाइन करना है तो आप ए एल प्रेस कर दीजिए, अगर आपको सेंटर लाइन करना है तो आप ए सी प्रेस कर दीजिए। इसी तरह से अगर आपको बुलेट्स लगाने हैं तो आप यू, अगर नंबरिंग करनी है तो एन, अगर आपको मल्टी लेवल लिस्ट यूज करनी है तो एम प्रेस कर दीजिए। अगर आपको इंडेंट को इंक्रीज करना है तो आप ए आई प्रेस कर दीजिए, और अगर आपको डिक्रीज इंडेंट करना है तो ए ओ प्रेस कर दीजिए। इसी तरह से आप सॉर्ट के लिए एस ओ प्रेस कर सकते हैं, और हाइड एंड शो आइकॉन के लिए आप एट प्रेस कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप पैराग्राफ का डायलॉग बॉक्स देखना चाहते हैं तो कीबोर्ड से पी जी टाइप कर दीजिए, आपका पैराग्राफ आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी हौसला अफजाई होती रहे। थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।